जब व्यक्ति पर तनाव इस कदर हावी हो जाता है कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो कई लोग अपनी जान तक दे देते हैं। जोधपुर में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या करने से पहले अपना एक वीडियो तैयार किया, इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। जोधपुर में पिपाड़ सिटी के शहरी क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ पी लिया। आज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले युवक की ओर से बनाया गया वीडियो सुर्खियों में बना रहा। इसमें वह अपने छोटे भाई से घर वालों का ध्यान रखने की बात कह रहा है। वहीं गलती नहीं किए जाने पर भी गुनाहगार माने जाने पर अफसोस जता रहा है। उसने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की और यह कदम उठाने के लिए परिजनों से माफी भी मांगी। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय मृतक का नाम महेश पंवार है। परिजनों ने अपनी रिपोर्ट में महेश के साथ जब्बर चंद के पुत्रों द्वारा मारपीट और बदनाम करने की धमकी के साथ SC/ST एक्ट में फंसाने का आरोप लगाया है। युवक ने आत्महत्या से पहले अपने मोबाइल में वीडियो क्लिप बनाकर अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा और आत्महत्या के लिए आरोपियों को जिम्मेदार बताया। मेरा नाम महेश है, मैं लड़की से प्यार करता था, वो मैं ऐसे करती थी और आज उसके घर पर पता चल गया। जो पुलिस स्टेशन लेके गए, मैंने उसके दादी के पास जाके बात की, केस किए, उसके भाई ने मुझे पहले मारा और फिर मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए। इससे मैं पूरी इमेज खराब हो गई मेरी और मेरे घर वाले, इसके लिए मैं सुसाइड करने जा रहा। भैया प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कैसे भी करके मुझे न्याय दें, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने सिर्फ बात की थी, इससे अलावा कुछ नहीं किया। मैंने इतना सब कुछ कर दिया उसके लिए, कुछ ना कुछ हेल्प करें। मैं अपने जैनों के सभी छात्रों से निवेदन करता हूँ, मेरे लिए कितना कुछ करें। मैं जैन में कौन से कैंडियर का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मैं अपने सभी बंधुओं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कैसे गुजर के न्याय मिले, बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़की से बात की, उसके पीछे मेरे पीछे इतना सब कुछ हो गया। हो सके तो आप इतना मांगे पता रखना अपना और कुछ नहीं। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है।